यस दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आप सभी ने थंबनेल में, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग इज नेक्स्ट टिकटॉक। अच्छा दोस्तों, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि टिकटॉक के बैन होने के बाद क्या चेंजेस हुआ है, मतलब ऐसा क्या चेंजेस आपको देखने को मिला है, जहां तक मुझे लगता है मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको बता रहा हूँ और पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें, मैं एक्चुअली मैं इसी फील्ड में हूँ तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि टिकटॉक बैन होने के बाद कुछ भी ऐसा चेंज हुआ नहीं, बिकॉज आप सभी को पता है यूट्यूब पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, इंस्टा रील्स पे, फेसबुक शॉर्ट वीडियोस पे हमें सेम क्रिंज कंटेंट देखने को मिल रहा है इस टाइम। ठीक है, हालांकि अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये जो यहाँ पे जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ और ये जो क्या चल रहा है, ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा लास्ट में, पर कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों, एकदम एंड तक देखना, क्योंकि मैं एक्चुअली में हमारी क्या प्लानिंग है नेक्स्ट, और चीज़ें मैं एकदम सामने लाइव दिखाने वाला हूँ आप सभी को, और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्यों मैंने ये थंबनेल लिखा, थंबनेल में टाइटल लिखा है कि लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो इज नेक्स्ट टिकटॉक। अच्छा, चीज़ों को ये बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ दोस्तों। क्या है ना कि हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम दिन भर में 6 से 7 घंटा अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं, और उन 6 से 7 घंटे में हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा रील्स पे, मतलब ज़्यादातर इन्हीं सब एप्लीकेशंस पे, व्हाट्सएप वगैरह पे ज़्यादा टाइम इन पे ही स्पेंड करते हैं। अगर मैं एक परसेंटेज की बात करूँ तो 100% में से 85% लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा इस पे टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब दिन के 7 घंटे से भी ज़्यादा टाइम इस पे स्पेंड करते हैं, और बाकी के जो 15% है, वो 15% की कैटेगरी में आप जो ट्रेडिंग करते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, जो अपना अलग दूसरा काम करते हैं फ़ोन के ज़रिए, ठीक है, वो होते हैं 15% लोग। बाकी के 85% का जो मार्केट है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, अब इसे लाइव स्ट्रीमिंग कैसे रिप्लेस करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो YouTube है या Facebook है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव क्यों रह रहे हैं। एक्चुअल में ना आपको ये भी देखना है कि ये दोनों बड़े जाइंट हैं, है ना। Facebook ले लीजिए, आप YouTube ले लीजिए, ये आपस में दोनों ही एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं कि ज़्यादा यूज़र्स हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करें, क्योंकि जितना ज़्यादा यूज़र उनके एप्लीकेशन को यूज़ करेगा उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा उनको ऐड वो दिखाएंगे यूज़र को और पैसा कमाएंगे। ठीक है, क्रिएटर्स को भी फायदा मिल रहा है, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है फिल्टर्स लगा के। आजकल देखो ना, आजकल हर कोई क्रिएटर बन चुका है, मतलब आपके आसपास ही इतने क्रिएटर होंगे जो सेल्फी वीडियो ये वो डालते रहेंगे यूट्यूब शॉर्ट्स पे, फेसबुक, इंस्टा रील्स पे। क्रिएटर्स को क्या है, फॉलोअर्स मिल जा रहे हैं। अर्निंग के सोर्स की बात करें तो जो बड़े क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब पे फुल टाइम देते हैं, उनकी अर्निंग मेरे को पता है होती है, बट जो ये छोटे आजकल जो यूट्यूब शॉर्ट्स पे जो वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, जो कुछ क्रिएटर्स जो क्रिंज कॉन्टेंट्स डाल रहे हैं, मैं सबको नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छे शॉर्ट वीडियोज़ भी हैं, तो प्रॉब्लम क्या है ना कि उन लोगों को अर्निंग हो नहीं रही है। तो ये जो लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस है, ये उन सभी क्रिएटर को फायदा कैसे देगा मैं आपको बताता हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन दोस्तों कमाल का एकदम बिजनेस मॉडल है। एक्चुअल में एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा इस एप्लीकेशन के बिजनेस मॉडल, उसके मोनेटाइजेशन मॉडल पे पहुंचने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, क्योंकि मैं दोस्तों इस फील्ड में हूँ, एप्लीकेशन डेवलपमेंट फील्ड में, और एक्चुअल में जो आपको बात बताने जा रहा हूँ ये मतलब हमारी कंपनी की बात है, ये आपको बता रहा हूँ। मैंने ना क्या किया, पहले थोड़ा सर्वे किया, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो इस फील्ड में हैं जो यही काम करते हैं, उनको मैंने कॉल किया पर्सनली और उनसे मैंने पूछा कि आप लोग मतलब किस टाइप के आजकल डील्स ले रहे हो, ज़्यादा किस टाइप के डील्स आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, मैं आप बताता हूँ क्यों ये मैंने किया, आने वाले टाइम पे किस एप्लीकेशन की डिमांड ज़्यादा होगी उस एप्लीकेशन का टेम्पलेट हम लोग पहले से रेडी रखते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग पहले से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे जब उसकी डिमांड बढ़े तो हम कम कॉस्ट में उसको सेल कर सकें। एक्चुअल में ये मैं मतलब बिजनेस मॉडल बता रहा हूँ, हालांकि अंदर की चीज़ें ऐसे कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले से डिज़ाइन करते हैं टेम्पलेट्स वगैरह को, और जब सही टाइम पे जब उसका क्रेज़ बढ़ता है, जब ज़्यादा यूज़र्स वहाँ माइग्रेट होते हैं लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन की तरफ, अभी भी एक्चुअली वही डिज़ाइनिंग चल रहा है यहाँ पे जो आप देख रहे हो, तो अभी से हमने डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें पता है आने वाले टाइम पे ज़्यादातर लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, अभी बहुत कम है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो जब मैंने सर्वे किया, मेरे फ्रेंड से पूछा मैंने, इवन हमने भी लास्ट रिकॉर्ड निकाले 1 से 2 महीने में, हमने कितने डील्स लिए हैं, उसमें से कितने डील्स लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हमने लिए हैं। तो सबसे यही पता चला कि अगर किसी एक डेवलपमेंट कंपनी के पास 15 प्रोजेक्ट्स आए हैं, उस 15 प्रोजेक्ट्स में से जिसमें से 3-4 सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग के हैं, ठीक है, और ये धीरे धीरे नंबर बढ़ता जा रहा है। इसलिए दोस्तों लाइव स्ट्रीमिंग जो एप्लीकेशन है इनकी डिमांड बढ़ने वाली। अब बात करते हैं कि इसमें यूजर्स का फायदा कहाँ हो रहा है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है, लोग क्यों इसको बनवा रहे हैं। एक्चुअल में यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक शॉर्ट्स से किस तरह से बेहतर है,
देखो दोस्तों, क्या आप YouTube शॉर्ट पे वीडियो बनाते हो, इंस्टा रील्स पे वीडियो बनाते हो, Facebook शॉर्ट्स पे वीडियो बनाते हो, वहाँ पे क्या होता है, जस्ट आप वीडियो बना रहे हो, फॉलोवर्स मिल रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छे फॉलोवर्स हो गए तो आपको आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, डायमंड्स मिल रहे हैं। आप जो वीडियो क्रिएट कर रहे हो, जितने आपके फॉलोवर्स हैं उतना वो आपको डायमंड सेंड करते हैं। एक डायमंड की कीमत अब जो जिसका एप्लीकेशन है वो कुछ भी रख सकता है। तो अगर आपका अगर आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो, आपके अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, तो वो ज़्यादा आपको डायमंड सेंड करती हैं अपना नाम ऊपर लाने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। तो वहाँ पे क्या आप कमा भी रहे हो, तो लोग इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। प्लस लाइव स्ट्रीमिंग का बिजनेस मॉडल सच में बहुत तगड़ा है। एक तो डायमंड के जरिए पैसा कमाते हैं, डायरेक्टली मर्चेंडाइज सेल करते हैं, बैटलशिप के जरिए वो लोग इनाम रख के ज़्यादा से ज़्यादा यूजर को इंगेज करते हैं। उससे भी बड़ी चीज़ है कि ये चीज़ें लाइव हो रही हैं। अब जो शॉर्ट्स रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, फिल्टर्स वगैरह डाला रहता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब एडिट वगैरह बहुत कुछ किया रहता है, लेकिन लाइव में क्या, सारी चीज़ें लाइव है, आप एकदम लाइव देख रहे हो, वहाँ पे कुछ कट क्रॉप नहीं। आप मेरा जो वीडियो देख रहे हो, हालांकि ये मेरा वीडियो रॉ वीडियो है, लेकिन मैं बहुत सारे वीडियो जब एडिट वगैरह करके डालता हूँ उसके पहले मैंने कितने टेक्स वगैरह ले रहे थे वो आपको नहीं पता रहता, बट लाइव वीडियो जब मैं डालूंगा तो लाइव चीज़ सारी चीज़ें लाइव चलती हैं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, यूजर को इंगेज करती है, यूजर को अपने ऐप की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। आपको बताया अर्निंग इसमें बहुत ज़्यादा है, अलग अलग तरीके। देखो बिजनेस मॉडल क्या है, आपका जो मोनेटाइजेशन मॉडल है वो आप क्या क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसके कॉस्ट की बात की जाए तो इसका जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, इसका डेवलपमेंट कॉस्ट में आप ये मान के चलो कि मिनिमम 3-4 लाख मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स में लग जाता है, क्योंकि ये लाइव सर्वर पे काम होता है सब कुछ। ठीक है, तो लाइव सर्वर में ऑब्वियसली अगर हम थर्ड पार्टी का यूज़ करते हैं तो भी आपका एपीआई का खर्चा जाने वाला है। तो मिनिमम एक बेसिक रिक्वायरमेंट आपका 3-4 लाख का, अगर आप ये जो अमाउंट मैं आंकड़ा बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 10 लाख 15 लाख तक भी जा सकता है, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आप इसमें और कितने ज़्यादा फीचर्स डलवा रहे हो। ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा तो आप एक्स्ट्रा कुछ करोगे तभी यूजर्स आपके पास आएंगे। क्या फिल्टर्स डलवा रहे हो, क्या बैटलशिप, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें क्या क्या आप रख रहे हो। ठीक है, तो कॉस्ट इतना लगेगा। अब इसके मैं डेवलपमेंट टाइम की बात करूँ तो अराउंड 2-3 महीने में आपके डेवलप होकर मिल जाएगा। देखो अभी तो हमारे पास टेम्पलेट डिज़ाइन हो रहे हैं, अभी मैं खुद भी ये जो टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहा हूँ मेरा टेम्पलेट लाइव करके, हालांकि अभी हम ये टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हैं, जब रेडी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो सिनेरियो ऐसा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है हम इसको कॉस्ट कम करके हम सेल करें, बट फिलहाल अभी यही रेट चल रहा है, कॉस्ट यही चल रहा है, प्राइसिंग वही है, टाइम 2-3 महीने लगने वाला है, लेकिन यस आने वाले कुछ महीनों बाद ये बूम करने वाला है मार्केट में। और ये सच है, देखना आप आने वाले टाइम पे जब ये बूम करेगा तो आप तब, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, शायद बाद में अगर आप देख रहे हो, अभी तो जितने मेरे सब्सक्राइबर वो देख ही रहे हैं, बट अगर आप मेरा ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो मैंने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैंने सर्वे किया जो हमारी जो मेरे फ्रेंड्स कोलिग्स, मतलब मैंने 10-15 जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो सेम बिजनेस में हैं उनसे जब बात करके देखा तो ये आंकड़ा मुझे सब में सेम ही दिखा, मतलब बढ़ता हुआ आंकड़ा दिखा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा, नॉलेज आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।